नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हरदोई से पहली खबर आपको बता दें, जहां पर बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अग्रवंशी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा में इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ हंगामा करती है, साथ ही कहा है कि हंगामा करने की इसकी आदत बन गई है। समाजवादी पार्टी के बता दें कि समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण को सुनने के बजाय परंपराओं को तोड़ा है, अपमान किया है। दरअसल बता दें कि हरदोई में सुनील अग्रवंशी ने सदन में हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, और साथ ही उन्होंने कहा है कि सपा ने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह हंगामा किया है। सपा की आदत है हंगामा करना, इससे पहले भी सदन में हंगामा सपा के द्वारा कई बार किया जा चुका है। तो समय जो समाजवादी पार्टी द्वारा हंगामा किया गया है, उसको कैसे देखते हैं आप और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी मेन मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के हंगामा करने की उनकी जो है आदत बन चुकी है। इससे पहले सत्र शुरू हुआ तब भी उन्होंने हंगामा करने का काम किया, फिर कल वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत हुई तब भी उन्होंने हंगामा करने का काम किया। जनता ने आपको सड़क पर हंगामा करने के लिए चुनने का काम नहीं किया था, जनता ने आपको सदन में इसलिए भेजा कि आप उनके मूलभूत मुद्दे जो है उनकी आवाज वहां पर उठाने का काम करें। सरकारी महकमों में लगे 15 वर्ष से अधिक के सभी पुराने वाहनों को हटाने की प्रक्रिया लगातार शुरू हो गई है। सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों में लगे 15 साल के पुराने वाहन अब सड़क पर नहीं दौड़ती भी नजर आएंगे। साथ ही बता दें कि इसको लेकर विभाग भी काफी सक्रिय हो गया है, वाहनों को स्कैम की सूची में डाला जा रहा है, साथ ही इससे रोडवेज में बसें भी शामिल होने की संभावना है। वहीं संभल जिले में सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी महकमों को सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने चिट्ठी जारी की है। सभी विभागों से वाहनों का डाटा एकत्र किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों में 15 साल के अधिक पुराने सभी वाहन अब सड़क पर नहीं दौड़ेंगे। इन वाहनों की स्क्रैप की सूची में डाला जाएगा, और साथ ही शासन ने बकायदा सभी जिलों के सहायक संभागीय परिवहन विभाग को निर्देश जारी किया है। वहीं जनपद संभल में सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने शासन के आदेशों का पालन करना शुरू कर दिया है। एआरटीओ साहब, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है कार्यालय को, किस संबंध प्राप्त हुआ है, क्या योजना है सरकार ने? 15 वर्ष से पुराने जो भी सरकारी और सरकारी वाहन हैं उनकी सूचना मांगी जा रही है। स्क्रैप पॉलिसी के तहत इन ऐसे वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। तो अपने जनपद संभल के कितने वाहन होंगे? अब आया है पत्र, इनको सभी विभागाध्यक्षों को भेजा जाएगा, उनसे सूचना प्राप्त करके शासन को प्राप्त करा दिया जाएगा। सूचना जिला झांसी के मोट तहसील अंतर्गत सौजना घाट पर दिन रात बता दें कि लिफ्टर चल रहा है, और लिफ्टरों के माध्यम से बेतावा नदी का सीना छलती हुई नजर आ रही है। बता दें कि झांसी में खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन कर रहे हैं, और बता दें कि एनजीडी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। वहीं जिलाधिकारी झांसी द्वारा टीम गठित करने के बाद भी अवैध खनन नहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। झांसी में लगातार अवैध खनन का कारोबार देखने को मिलता है, और यह तस्वीर एक बार फिर से प्रशासन पर और तमाम अधिकारियों पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि झांसी में जिस तरीके से अवैध खनन का कारोबार लगातार जारी है और जिस तरीके से नदियों का और भूमि का सीना चीरा जा रहा है, इसको लेकर प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लोग परेशान हैं, लेकिन झांसी की तस्वीर जस की तस बनी हुई है। और बता दें, झांसी में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, खनन माफिया यहां पर लगातार बेखौफ नजर आ रहे हैं,
और ये तस्वीर देखिए आप झांसी की, जहां पर लगातार अवैध खनन का कारोबार चल रहा है। दिन हो या रात हो, अवैध खनन यहां लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। अवैध खनन माफियाओं को न प्रशासन का डर है, न सरकार का डर है, और इसको लेकर अब तक प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लगातार झांसी से ऐसी कई बार तस्वीरें अवैध खनन के सामने आ चुकी है, लेकिन प्रशासन के कानों तले जू तक नहीं रेंग रही है। लगातार अवैध खनन को लेकर सरकार बड़ी बड़ी मुहिम चलाती है और तमाम तरीके की बातें करती है। अवैध खनन को रोकने को लेकर तमाम बातें कही जाती है, लेकिन प्रशासन हो या बड़े बड़े अधिकारी हो, इसको लेकर मूक दर्शक बने नजर आते हैं, सवालों का जवाब देते हुए नजर नहीं आते हैं। ग्रामीण काफी परेशान है अवैध खनन से और काफी परेशानी उनको हो रही है। जिस तरीके से धूल उड़ती हुई ट्रकों में नजर आती है, काफी ग्रामीणों को परेशानी होती है इसको लेकर, लेकिन प्रशासन न गांव में आती है ये देखने के लिए कि अवैध खनन का कारोबार यहां चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर चल भी रहा है तो कौन अवैध खनन को अंजाम देता नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुल्तान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुल्तान, झांसी में अवैध खनन की एक और तस्वीर सामने आई है, प्रशासन इसको लेकर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है और कैसे खनन माफियाओं के हौसले इस तरीके से बुलंद हो जाते हैं कि खुलेआम वे अवैध खनन को अंजाम देते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रशासन इसको लेकर मूक दर्शक बनी हुई नजर आती है। सुल्तान जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मौर क्षेत्र के सौजना घाट का है। अभी पूर्व में जिलाधिकारी ने भी एक कमेटी गठित की थी कि अवैध खनन हर तरीके से रोका जाए, लेकिन ये सत्ता के दबाव में, सत्ता के बल पर खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा है, इसको कोई रोकने देखने वाला नहीं है। जबकि पूर्व में भी सदर विधायक रवि शर्मा ने, जो भाजपा सरकार में है, उन्होंने अवैध खनन का मुद्दा उठाया था। उसके बाद कुछ दिन खनन रुका, फिर वही स्थिति में है, यथा स्थिति है खनन की, धरने से खनन जारी है। सुल्तान, झांसी में ये पहली तस्वीर नहीं है अवैध खनन की जो हम दिखा रहे हैं, आपके द्वारा कई ऐसे अवैध खनन की झांसी की तस्वीर हमें दी गई है और लगातार झांसी में अवैध खनन का कारोबार बढ़ते जा रहा है, और लेकिन जो प्रशासन है वे लगातार मूक दर्शक बनी हुई नजर आती है, अधिकारी मूक दर्शक बने हुए नजर आते हैं, इसको लेकर क्या आपकी प्रशासन से कोई बातचीत हुई है, अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है? क्योंकि सरकार जो है लगातार अवैध खनन को लेकर, अवैध खनन बंद करने की बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई तस्वीर ऐसी नहीं है जो सरकार की हो या प्रशासन की हो पोल खोल कर ना रख दे। सुल्तान जी, मैं आपको बता दूं, ये बुंदेलखंड का झांसी जनपद एक ऐसा जनपद है जहां पे अवैध खनन चरम सीमा पर है, इसको रोकने का कहीं प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि बताते हैं राजनीतिक लोगों की दुकानें ही अवैध खनन के माध्यम से चलती हैं। सफेद पोषों का खुला संरक्षण है, जिसके कारण अवैध खनन यहाँ नहीं रोका जा रहा है। सुल्तान, ये जो तस्वीर है बेतवा नदी की, यहाँ पर लगातार अवैध खनन का कारोबार चलता हुआ नजर आ रहा है, ग्रामीण किस तरीके से परेशान है, क्या इसकी जानकारी ग्रामीणों ने प्रशासन को दी थी, अधिकारियों को दी थी, और क्या उनके तरफ से कोई आश्वासन दिया गया था? ये अवैध खननकर्ताओं के हौसले इतने बुलंद है कि ये ग्रामीणों के खेतों में से जबरन अपनी गाड़ियां लोडिंग भर के गाड़ियां निकालते हैं, ग्रामीण उसकी शिकायत करते हैं तो उनके साथ गुंडागर्दी की जाती है, उनको धमकाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है। ग्रामीणों में आक्रोश है, ग्रामीण परेशान है, उनकी जमीनों पे से, खेतों में से, फसलों में से ये अपनी अवैध खनन की गाड़ियों को निकालते हैं। बिल्कुल सुल्तान, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी ये साझा करने के लिए। और ये झांसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, झांसी में लगातार अवैध खनन बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, न अधिकारी इसको लेकर कोई कार्रवाई करते हैं, लेकिन ग्रामीण जो है इस अवैध खनन से काफी परेशान है। अगर वो इसको लेकर कार्रवाई की बात भी करते हैं, प्रशासन को इस बात से अवगत भी कराते हैं, तो जो अवैध खनन जो करते हैं, जो माफिया होते हैं, वे ग्रामीणों को धमकाते हुए नजर आते हैं। झांसी शहर के मेहंदी बाग और साथ ही खजूर बाग मोहल्ले में रहने वाले 30 साल से ज्यादा लोगों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए हैं। दरअसल मोहल्ला के बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या बनी रहती है और घरों में पानी भर जाता है। इसके कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम की ओर से कोई समाधान नहीं निकाला, तो इन लोगों ने मोहल्ले को छोड़ने का फैसला ले लिया और घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चिपका दिए। वही मकान बिकाऊ होने की बात सामने आती ही नगर आयुक्त जल्द समस्या के निदान करने का दावा करती नजर आ रही है।
देखिए, मैंने सभी, मैं एक बार खजूरबाग और सभी जो वहाँ के लोग हैं, मैं उनको फिर से बताना चाहूँगा, वो पहले भी मेरे पास आए थे, मैंने उनको उस समय भी बताया था, फरवरी एंड में हमें शासन से धनराशि प्राप्त होने वाली है 15वें वित्त के अनटाइड में। उसका पूरी तरीके से प्रस्ताव बन चुका है, एस्टिमेट तैयार हो चुका है, जैसे ही फंड आ जाएगा मैं फरवरी एंड तक, उसमें मार्च के फर्स्ट वीक में उसकी एक बैठक होती है जो डीएम सर की अध्यक्षता में होती है, सर की नॉलेज में भी, इशू संज्ञान में, मार्च के फर्स्ट वीक में स्वीकृत होते ही उसका टेंडर मार्च में कर दिया जाएगा और अगले 2 माह में उसको प्राथमिकता पे खत्म कराया जाएगा। जब से यहाँ ये ताल का सुंदरीकरण हुआ है तब से यहाँ बहुत परेशानी होने लगी है, उसी में 18 नाले जोड़े गए हाथिया तार में, जब से पानी, हमें तो 40 साल यहाँ रहते रहते हो गई, पहले कभी नहीं भरा, लेकिन जब से जो यहाँ से सुंदरीकरण हुआ है यहाँ का, तभी से भरने लगा। क्या नाम लिखते भाई? मेरा नाम शरद नामदेव है। अच्छा, यूपी बजट पेश होने वाला है, इससे कितनी राहत मिल सकती, महंगाई दर कम हो सकती? देखिए, महंगाई दर कम होगी या नहीं होगी, लेकिन अभी जो केंद्र का जो बजट आया था उसे बहुत सराहनीय बताया गया है पूरे देश में, और अन्य देशों में भी इसकी चर्चा है कि बजट बहुत अच्छा था, और योगी जी का शासन चूंकि बहुत अच्छा चल रहा है तो हमें लगता है कि शायद एक अच्छा बजट कल आएगा। बेरोजगारी और मंदी से लोग जूझ रहे हैं, कैसे निजात पा पाएंगे? बेरोजगारी और मंदी दोनों अलग विषय हैं। रायबरेली में कच्ची दीवार गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसके बाद से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामला जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेजी से पूर्वा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर घर के बाहर जानवरों के लिए चारा काट रही महिला शिवपति पत्नी मंगल के ऊपर अचानक भरभराकर एक कच्ची दीवार गिर गई, जिसकी वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। आनन फानन में घायल महिला को परिजन सीएससी जगतपुर लेकर पहुंचे हैं, लेकिन उनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है, उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्या परिचय है? डॉक्टर अनुराग शुक्ला, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, एक अभी महिला है इसके ऊपर दीवार गिर गई, क्या है मामला? ये शिवपति है, 50 वर्ष की महिला है, जो जगतपुर से रेफर होकर गंभीर अवस्था में हमारे यहाँ इनको रेफर किया गया है, इनको भर्ती करके इनका इलाज शुरू किया है। बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के कस्बा राजा का बता दें कि ताजपुर मोहल्ला सैनी धर्मशाला निवासी, बता दें कि ऋषि पाल कश्यप की पत्नी लगभग 65 वर्षीय ओमवती देवी का अपने बेटे के साथ कल किसी बात को लेकर आपसी विवाद हुआ था, इसके बाद पता चला कि ओमवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। लोगों का कहना है कि शराब के नशे में उनके बेटे ने सोमवती के ऊपर बेरहमी से पिटाई की है। रायबरेली के खीरो ब्लॉक के भीतर गांव में मंगलवार के दिन ग्रामीणों के लिए किसी काल का दिन से कम नहीं था। दरअसल यहां अलग अलग जगहों पर 5 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद से गांव में कोहराम मचा हुआ है। सभी मृतकों के अंतिम संस्कार गोगासी गंगा घाट पर कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी को हार्ट अटैक की समस्या हो गई थी, हार्ट अटैक आया था, और गांव के ही एक साथ 5 अर्थियों का उठना कहीं ना कहीं सोचने वाला विषय है। वहीं यह खबर जैसे ही अगल बगल के लोगों के पहुंची, बड़ी संख्या में लोग वहां संवेदना प्रकट करने तो पहुंचे हैं, लेकिन एक ही गांव से 5 अस्थियों का उठना, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि क्यों, ऐसी क्या समस्या हो गई कि एक ही गांव से 5 अर्थियां उठी है। प्रशासन लगातार जांच में जुटी है। अभी तो केवल 3 ही मौतों का जो है हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेड हुआ है, खीरों के अधीक्षक ने देखा है उसको। एक उसमें जो है कमल त्रिपाठी 50 ईयर्स सनाफ अर्जुन प्रसाद, एक निर्मला देवी वाइफ ऑफ सुंदर 17 ईयर, ये ब्राड डेड आए थे सीएससी पे, और एक ये दोनों भीतर गांव के थे, और एक जो है वो कालीखेड़ा गुरबकसगंज का आया हुआ था, छतरपाल। बोला पहले मिस्टर, नाम बताओ पहले अपना। मुझे नाम है, क्या हुआ था बोलो। ये होगा पुराने घर से आए थे, बच गए थे, सब जिनकी मृत्यु हुई है उनकी, उनका क्या नाम था? उम्र कितनी थी? 85 साल। 85 साल। हाँ।
बाराबंकी में ग्रामीण बैंक के पास चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। यहां ग्रामीण लगातार बाइक चोरी को लेकर परेशान है। वहीं पास की ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कई बार बाइक ले जा रहे अज्ञात चोर का वीडियो कैद हुआ है। वहीं पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला जैतपुर थाना क्षेत्र के मुरलीगंज मजरे इटाहुआ गाँव का बताया जा रहा है। 6 तारीख का हम जैतपुर गए रही और 3 बजे के आसपास तो वहाँ जो ग्रामीण बैंक है वो ग्रामीण बैंक के पास का सलमान लोगों की दुकान हुई दाढ़ी बनवाई गए रही तो 3 बजे के आसपास गए तो वहाँ गए दाढ़ी बनवाए निकलें तो देखें हमारा मोटरसाइकिल नहीं रहा आसपास भैया देखें जो नहीं मिली तो फिर हम क्या कहते थाने सूचना दें। थाना सूचना देने के बाद फिर कैमरा में देखा गया तो एक लड़का 20-22 साल की उम्र में है वही उठा के ले गया है। गाड़ी का नंबर क्या? गाड़ी का नंबर है UP 41 AP 6287 काली कलर की गाड़ी है सुपर स्प्लेंडर है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र अंतर्गत नानो पुल NH बता दें कि 91 में बारात लेकर जा रही बस में चलती चलते आग लग गई है। आग का गोला बस बन गई है और दूर दूर कर जलने लगी है। वहीं आग लगता देख राहगीर और बस में सवार यात्रियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बस के शीशे तोड़े हैं और यात्रियों को किसी तरीके से बाहर निकाला है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से बस खंडर हो गई है जलकर और किस तरीके से ये बस में आग लगी होगी। आग के गोले में लपटी हुई बस नजर आ रही है। आप सोचिए उसके अंदर जो लोग फंसे होंगे उसकी क्या स्थिति बनी होगी। फिलहाल इस घटना का जनहानि कुछ नहीं हुई है इस घटना के बाद से, लेकिन जानकारी देते हुए बस में सवार यात्री बता रहे हैं कि बस खुर्जा से सिकंदराव बारात लेकर जा रही थी। उन्होंने बताया है कि जैसे ही बस में ननऊ पुल के निकट पहुंची तभी बस में अचानक आग लग गई जिसके बाद से बस धू धू कर जलने लगी। फिलहाल घटना के बाद से राहगीरों और बस में सवार यात्रियों को किसी तरीके से शीशे को तोड़कर बचाया गया है। वही घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। अनिल कुमार कहां के रहने वाले हो? खुर्जा के। ये बस में कैसे आग लगी है? कहां जा रहे थे, कहां बैठे थे आप? खुर्जा से गाड़ी आई है, सिकंदर राव की बस जा रही है, बस वो बारात जा रही है जी, तो चलते चलते गाड़ी में आग लग गई है। अच्छा, एक इको वाले भैया ने बताई आके नहीं है आगे आग कैसे लगी? चलते चलते लगी है अपना इंजन की, जहाँ इंजन है उसकी तरफ से धुआं उठा भाई से धुआं। तो बारात कहाँ से जा रही थी? सिकंदर राव के पास कोई गांव है एक। अच्छा, उस गांव में कितने लोग सवार थे गाड़ी में? कम से कम 40-45 लोग थे। तो इसमें कोई किसी के कोई नहीं, सब बढ़िया है, मगर शीशा तोड़ने में थोड़ी लग गई है किसी भाइयों को। अच्छा अच्छा, 4-6 भाइयों को लग गई है। कोई कैजुअल्टी नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया वैसे तो। मथुरा में राज पंचायत अधिकारी किरण चौधरी ने बता दें कि ब्लॉक चौमुहा ब्लॉक के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में राज पंचायत अधिकारी करण चौधरी और साथ ही डॉक्टर SDO पंचायत मौजूद रहे हैं। वहीं समस्या बैठक में सचिव मौजूद भी नहीं रहे तो बता दें कि DPR किरण चौधरी ने एक दिन का उनका वेतन काट लिया है। वहीं इस बैठक में ग्रामवासियों की समस्या को सुना गया। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए तमाम तरीके के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के बता दें कि हर घर कैमरा अभियान के तहत अपने घर पर कैमरा लगवाकर अपराधियों की पहचान का मदद कराने के लिए गोरखपुर निवासी जागरूक त्रिनेत्र मित्र आशीष गुप्ता ने ADG जोन द्वारा उनके घर पर जाकर प्रशस्त्र पत्र देकर सम्मानित किया है। वहीं ADG जोन अखिल कुमार ने बताया है कि गोरखनाथ थाना क्षेत्र के BSM पब्लिक स्कूल के पास शिवगंगा बैक्स के सामने एक लड़के को कुछ अज्ञात लड़कों द्वारा बुरी तरह से मारा पीटा गया है, जिसके संबंध में थाना गोरखनाथ में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वहीं सार्वजनिक और निजी स्थान पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही संबंध में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान अब ऑपरेशन त्रिनेत्र के हर घर कैमरा अभियान के तहत अपने घर के सामने लगाए गए कैमरे में ये सारी घटना रिकॉर्ड की गई है। वहीं इसके मदद से पुलिस द्वारा अपराधियों तक पहुंचने की मदद मिलेगी और साथ ही अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी हो पाएगी।
कासगंज में चाइल्ड लाइन की टीम ने नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई है। बता दें कि यहां पर नाबालिग लड़की की शादी की सूचना मिलते ही मौके पर चाइल्ड लाइन की टीम पहुंची और पुलिस भी पहुंची है और किसी तरीके से चाइल्ड लाइन की टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नाबालिग लड़की 14 वर्ष की बताई जा रही है जिसके परिजनों के द्वारा शादी करवाई जा रही थी। वहीं आगरा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर एक सामने आई है जहां पर एक कार सवार बता दें कि इंसानियत को भूलता हुआ नजर आया है। बीच सड़क पर लेटे एक युवक के पैर पर ही उसने कार चढ़ा दी है और वहीं लग्जरी कार से सड़क पर लेटे युवक के पैर पर गाड़ी चढ़ने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। क्षेत्र अधिकारी नवाबगंज बरेली के नेतृत्व में पर्यवेक्षक थाना भोजीपुरा पुलिस द्वारा बता दें कि मुड़िया हाफिज थाना भेजीपुरा कब्रस्थान के पास से सशस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। वही अपराधी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर फरार हो गया है। वहीं अपराधी के नाम सौरभ निवासी ग्राम दबियारपुर बताया जा रहा है। ये फरार अभियुक्त शातिर अपराधी है और पुलिस ने दो लोहे की सडांसी, छेनी और साथ ही तमाम कुल्हाड़ी और चीजें बरामद की है। उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने पूछताछ में अपने दो अन्य साथियों के नाम बताए हैं जो मौके से भाग गए थे तथा ये कहां कहां इसकी सप्लाई करता था और किन किन लोगों के लिए बनाता था इसके बारे में उसने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? अब तक एक व्यक्ति खतीबुर रहमान गिरफ्तार हुआ है, बाकी दो लोग मौके से भाग। उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली और साथ ही पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बरेली और साथ ही क्षेत्र अधिकारी नगर प्रथम बरेली द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ ही आगामी त्यौहार और कानून और शासन बता दें कि शांति व्यवस्था और आम जन मानस की सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए बरेली शहर में मौजूद बैंक ATM आदि की चेकिंग की गई है और बैंक में लगे सुरक्षा संबंधी उपकरणों को भी चेक किया गया है। बैंक ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी बैंक सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नहीं, ये बैंकों की रूटीन चेकिंग है। आज मेरे द्वारा और एसपी सिटी द्वारा फोर्स के साथ जो जो मेन ब्रांचेस हैं, मेन मेन बैंक है, वहाँ पे चेकिंग करी जा रही है। एक तो इनकी जो सुरक्षा कर्मी है उनको बताया गया कि उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं और जो बैंक के CCTV हैं उनको चेक कराया गया कि वो काम कर रहे हैं, कि बैंक का जो अलार्म है और जो लोग संदिग्ध लोग हैं बैंक के अंदर या बाहर या संदिग्ध कारियाँ उनको भी चेक किया गया ताकि एक सुरक्षा की भावना है, लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। अब खबर रायबरेली से है जहां पर 24 घंटे के भीतर ही एक ही गांव के 6 लोगों की संदिग्ध मौत से हंगामा मच गया है। बताया जा रहा है हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है। वहीं परिजनों ने 4 मृतकों को गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार किया है। 2 की गंभीर हालत CSC पहुंचाया गया था और इस दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया है। वही बता दें कि अब खबर हाथरस से है जहां पर आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे पर सवारियों से भरी DCM गाड़ी और साथ ही ट्रैक्टर में भीषण भिड़ंत हो गई है। DCM गाड़ी और ट्रैक्टर के आमने सामने भिड़ंत होने से मैक्स में सवार 4 की मौत हो गई है। 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें नेशनल हाईवे पर 2 वाहनों को भीषण भिड़ंत से सवारियों में चीख पुकार मच गई। घटना में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कितने लोग की जान गई है? रुहरी के पास एक DCM और ट्रैक्टर में आपस में टक्कर हुई है जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है, 10 लोग घायल हैं, उनका बेहतर उपचार कराया जा रहा है। ये कहाँ से लौट रहे थे सर? अभी तक जो जानकारी मिली है कि खंदौली या कहीं गए थे, वहाँ से लौट रहे थे और सारी जानकारियाँ की जा रही है। सर, अभी हादसा हुआ है, कितनी कैजुअल्टी हुई है सर इसमें? 4 तो ब्रॉड डेड है और 4 रेफर हुए हैं, 8 का इलाज यहाँ चल रहा है। टोटल कितने हैं सर? 16 16 लोग अस्पताल लाए गए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।